आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 की एक्शन ड्रामा फिल्म 12 स्ट्रॉन्ग को। इस मूवी ने 35 मिलियन डॉलर्स बजट के साथ 71.1 मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। इस मूवी में लीड रोल में हमें क्रिस हेम्सवर्थ देखने मिलते हैं, जिन्होंने मिच नेल्सन का रोल प्ले किया है, और इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए मूवी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मिच नेल्सन, जो कि US आर्मी के ODF 5 & 5 का कैप्टन होता है, वो अपनी बीवी और बेटी के साथ अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुआ है। वहाँ वो लोग काम कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी बेटी TV पर चैनल चेंज कर देती है और न्यूज़ चैनल लगाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने प्लेन क्रैश कर दिया है। ये सुनकर मिच सीधा ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में जाकर वो लेफ्टिनेंट कर्नल बावर्स से मिलता है। वो उन्हें कहता है कि मुझे मेरी टीम फिर से ज्वाइन करनी है, लेकिन बावर्स कहता है कि तुम खुद की मर्जी से अपनी टीम से निकले हो और वैसे भी अब तुम्हारी टीम एग्जिस्ट नहीं करती, जिससे मिच बहुत नाराज़ होता है। वो ये बात जब अपने साथी हेल स्पेंसर को बताता है तो हेल बावर्स से बात करता है और कहता है कि मैं अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ने जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरे साथ मिच नेल्सन चाहिए। बावर्स मान जाता है और ODF 5 & 5 अफगानिस्तान के लिए निकल जाती है। वो पहले उज़्बेकिस्तान पहुंचते हैं, जहां कर्नल मलहोलैंड उन्हें प्लान समझाता है और इस सब में उनकी मदद करेगा अफगानिस्तान का एक्स लीडर अब्दुल रशीद दोस्तम, जो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ रहा होता है। मिच अपनी टीम को ये बात बताता है। रात के वक्त हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स अपनी अपनी फैमिलीज को लेटर वगैरह लिख रहे होते हैं। इससे हमें सोल्जर की लाइफ कितनी टफ होती है इसका भी पता चलता है, लेकिन मिच लेटर नहीं लिखता। और जब हेल उससे पूछता है तो वो बताता है कि उसने उसकी बीवी से वापस आने का वादा किया है और वो लेटर लिख के ये प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहता। इसके बाद वो लोग अफगानिस्तान में मजार शरीफ के लगभग 65 किलोमीटर साउथ में उतरते हैं। उतरने के बाद उन्हें दो लोग दिखते हैं, जिन्हें वो पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद और कई लोग बंदूकों के साथ आते हुए दिखते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि ये अब्दुल रशीद दोस्तम के लोग हैं और इन्हें ही लेने के लिए आए हैं। उसके बाद वो लोग कैंप अलैमो के लिए निकल जाते हैं और सुबह सुबह कैंप में पहुंचते हैं, जहां उनसे मिलने अब्दुल रशीद दोस्तम आता है। दोस्तम से बातचीत के बाद दोस्तम 6 घोड़े मिच को देता है। मिच बोलता है कि हम तो बाड़ा लोग हैं, तो दोस्तम कहता है कि मेरे पास सिर्फ 6 ही हैं। फिर मिच अपने साथ और 5 लोगों को लेकर दोस्तम के साथ पहाड़ों की ओर निकल जाता है और बाकी के 6 स्पेंसर की कमांड में कैंप पर ही रुकते हैं। उसके बाद हमें तालिबान का लीडर मुल्ला रजान दिखाया जाता है, जो कि एक टीचर को सिर्फ इसलिए गोली मार देता है क्योंकि वो 8 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को पढ़ा रही होती है। मिच और दोस्तम रात को एक केव में रुकते हैं, जहां पर वो रेडियो GPS वगैरह कुछ यूज नहीं कर सकते। सुबह होने के बाद वो तालिबान कैंप के पास जाते हैं, जहां मिच दोस्तम से कहता है कि मुझे कैंप और पास से देखना होगा, तभी मैं एरिस्ट्रैक करने के लिए कोऑर्डिनेट्स दे सकता हूं। लेकिन दोस्तम मिच से मैप मांगकर खुद कोऑर्डिनेट्स बताता है। मिच दोस्तम पर भरोसा करके उसी कोऑर्डिनेट्स पे एयर स्ट्राइक करवा देता है, लेकिन ये अटैक मिस हो जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तम की टीम खुशी मना रही होती है। मिच वहाँ कहता है कि इन्हें कोई समझाओ कि हम निशाना चूक गए हैं। फिर मिच खुद घोड़ा लेकर कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए आगे जाता है। वो जब कोऑर्डिनेट्स बता ही रहा होता है कि तभी उन पर हमला हो जाता है। उसी अटैक के बीच मिच कोऑर्डिनेट्स बताकर अटैक करवा देता है, जिससे वो कैंप तबाह हो जाता है। और अगले अटैक के लिए दोस्तम कहता है कि हम कल करेंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि मिच और उसकी टीम के लिए जो सप्लाई भेजी जाती है वो थोड़ी सी गलत जगह पर गिरती है और वहाँ के लोकल लोग उन सप्लाईज को लूट लेते हैं। और जब ODF 5 & 5 बाजार में जाती है तब उन्हें खुद की सप्लाईज बाजार में बिकती हुई दिखती है। दूसरे दिन वो और एक तालिबान कैंप के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर एयर स्ट्राइक करवाने के बाद जब तालिबान कैंप में भगदड़ मच जाती है, तब दोस्तम और उसके आदमी कैंप पर ग्राउंड अटैक कर देते हैं। थोड़ी ही देर में दोस्तम के लोगों को मरता हुआ देखकर मिच और उसकी टीम भी दोस्तम को बैकअप देने के लिए जाती है। उसके बाद वो अगले अटैक की तैयारी करते हैं, जहां पर उन्हें ODF 5 & 5 के बाकी 6 मेंबर्स भी ज्वाइन करते हैं, जो कि पहले अलग हुए थे। अगले तालिबान कैंप पर एयर स्ट्राइक कराने के बाद उन्हें लगता है कि कैंप के सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन कुछ तालिबानी छुपे हुए होते हैं। और जब ODF 5 & 5 और दोस्तम की टीम उनके नजदीक जाती है तब वो लोग अचानक हमला कर देते हैं। यहाँ पर भी दोस्तम के काफी लोग मारे जाते हैं और आखिर में तालिबान का सबसे बड़ा गढ़ मजार शरीफ को कब्जे में लेना होता है, जिससे पहले मिच दोस्तम को बताता है कि US आर्मी ने एक और टीम जनरल अता मोहम्मद के साथ भेजी है,
जो कि साउथ ईस्ट से मजारे शरीफ की ओर आ रहे हैं, जिससे दोस्तम नाराज होकर मिच की टीम को अकेला छोड़ देता है, क्योंकि अता मोहम्मद अब्दुल रशीद दोस्तम का पॉलिटिकल राइवल होता है। मिच अपने टीम से बात करता है और वो लोग दोस्तम के बिना ही जाने का फैसला करते हैं। वो लोग जब तालिबान कैंप के नजदीक पहुंचते हैं तो वहां तालिबान के कई हजार आतंकवादी होते हैं। उनके ऊपर भी एयर स्ट्राइक होती है और कई आतंकवादी मारे जाते हैं और उसके बाद गन फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच किसी तरह से कुछ तालिबानी सरेंडर करने के लिए स्पेंसर की टीम के पास आते हैं, लेकिन उसमें से एक आदमी खुद को ब्लास्ट कर लेता है, जिससे स्पेंसर और बाकी के लोग घायल हो जाते हैं। दोस्तम अपने लोगों को लेकर फिर से मिच की टीम ज्वाइन करता है। उसी समय तालिबानी BM-21 रॉकेट लॉन्चर से अटैक करते हैं, जो एक लोड में 40 मिसाइल फायर करता है, जिससे दोस्तम के काफ़ी लोग मारे जाते हैं। मिच कहता है कि BM-21 से 40 मिसाइल फायर होने के बाद इसे रीलोड करने में 2 मिनट का समय लगता है और हमें इसी दौरान अंदर जाकर उन्हें रीलोड करने से रोकना होगा। मिच और दोस्तम अपनी टीम को लेकर कैंप के अंदर जाते हैं, जहाँ काफ़ी लंबी फाइट होती है, और जब BM-21 को तालिबानी रीलोड कर रहे होते हैं तब ये लोग उन लोगों को मार देते हैं। इसी बीच मुल्ला रजान गाड़ी में बैठकर भागने लगता है, लेकिन उसकी गाड़ी एक गड्ढे में अटक जाती है, जहां दोस्तम उसे देख लेता है और उसे गोली मार देता है। फिर दोस्तम मोहम्मद अता को मिलने जाता है। मिच को लगता है कि अगर दोस्तम ने मोहम्मद अता को कुछ किया तो उनका इतना सब करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वो भी मजार शरीफ दोस्तम को रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ देखता है कि मोहम्मद अता और दोस्तम एक दूसरे को मिलते हैं। ये देखकर मिच खुश हो जाता है और फिर ODA फाइनेंस फाई के 12 लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपनी फैमिली के पास पहुँच जाते हैं। मिलिट्री प्लानर्स ने कहा था कि इस मिशन को पूरा करने के लिए 2 साल लगेंगे, लेकिन ODA फाइनेंस फाइव की टीम ने इस मिशन को सिर्फ 3 हफ्तों में पूरा किया। दोस्तम 2014 में अफगानिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट बना और आज तक मिच दोस्तम का अच्छा दोस्त है। इन लोगों ने इतना मुश्किल मिशन घोड़ों पर बैठकर पूरा किया, इसलिए इन 12 लोगों की बहादुरी को याद रखने के लिए एक स्टैचू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साइट पर लगाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।